हेलो दोस्तों, एमीटेक क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट, मतलब रेफ्रिजरेंट जो होता है उसका नाम किस तरह से होता है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले देखिए, मार्केट में जो रेफ्रिजरेंट हमें मिलता है वो बेसिकली कुछ इस तरह से दिखता है। R11, R12, R134, R410। तो इसका मतलब क्या है, इसमें देखिए इसमें दो नंबर है और इसमें क्या है, इसमें तीन नंबर है। ठीक है, तो जिसमें दो नंबर है, इस दो नंबर का मतलब होगा इसमें कि ये मीथेन बेस है, और जिसमें तीन नंबर है उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब है कि ये इथेन बेस है। ये इथेन बेस है, जिसमें तीन नंबर है वो इथेन बेस है और जिसमें दो नंबर है वो मीथेन बेस है। एक्चुअली कार्बन क्या होता है, कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो चार होता है। ठीक है, इसका चार वैलेंसी होता है और मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है, CH4। कार्बन का जो चार हाथ है, कार्बन का चार हाथ में चार हाइड्रोजन रहता है और CH4 इस तरह का स्ट्रक्चर होता है मीथेन में। अभी देखिए, जब रेफ्रिजरेंट होता है तो रेफ्रिजरेंट में क्या होता है कि हाइड्रोजन प्लेस्ड बाई क्लोरीन और फ्लोरीन एटम्स, मतलब हाइड्रोजन कार्बन में जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड होता है फ्लोरीन या फिर क्लोरीन एटम से। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला कैसा होता है। सपोज RXYZ इस तरह से लिखा हुआ है। अभी क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन होगा X+1, नंबर ऑफ कार्बन। उसी तरह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा Y-1, X+1 कार्बन, Y-1 हाइड्रोजन, एंड Z इक्वल्स टू हो गया फ्लोरीन। फ्लोरीन है Z, मतलब Z का नंबर ऑफ फ्लोरीन हो गया Z। X+1 हो गया कार्बन, Y-1 हो गया हाइड्रोजन, एंड Z इक्वल्स टू हो गया नंबर ऑफ फ्लोरीन। चलिए इसी के ऊपर बेस करके हम देख लेते हैं कि एग्जैक्ट स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। सपोज हम लोगों के पास है R11, R11 को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं इसको R011। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो गया, 0+1 इक्वल्स टू हो गया 1, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो गया 1-1 इक्वल्स टू 0, मतलब इसमें कोई हाइड्रोजन एटम नहीं रहेगा। और फ्लोरीन कितना है, फ्लोरीन होगा हम लोगों का 1, ये Z, मतलब XYZ इस तरह से हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर होगा हम लोगों का कार्बन, कार्बन का चार हाथ और इसमें एक फ्लोरीन है, लेकिन बाकी हाथ में हाइड्रोजन होना चाहिए था, लेकिन हाइड्रोजन इसमें 0 है, मतलब हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाई क्लोरीन। एक फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए हाइड्रोजन का जो जगह है, हाइड्रोजन के जगह पे होगा क्लोरीन। तो इसका जो नाम है, इसका नाम क्या होगा, नाम लिखने का भी एक तरीका है। सपोज हम लोगों के पास है हाइड्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। तो जब नाम लिखेंगे तो नाम राइट साइड से आएगा, मतलब पहले क्लोरीन का आएगा, उसके बाद फ्लोरीन का आएगा, उसके बाद मीथेन या फिर इथेन जो भी होगा। तो इसमें क्या है, इसमें एक फ्लोरीन है, ठीक है, और तीन क्लोरीन है। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से अगर आगे आएगा तो इसमें क्लोरीन का नाम पहले आएगा। तो इसमें क्या होगा, ये होगा ट्राई क्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन, ट्राई क्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन। उसी तरह से हम दूसरा देख लेते हैं। सपोज R22 में क्या होगा, R22 मतलब हो गया R022। तो इसमें क्या होगा, कार्बन हो गया 0+1 इक्वल्स टू 1, हाइड्रोजन हो गया 2-1 इक्वल्स टू 1, एंड फ्लोरीन हो गया 2।
फ्लोरीन। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर होगा, इसमें हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन एक है, दो फ्लोरीन है, दो फ्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, लेकिन एक खाली है। तो खाली में क्या होगा? क्लोरीन होगा, खाली में क्लोरीन होगा। तो इसका जब नाम लिखेंगे हम, तो नाम कैसा होगा? इसका नाम हो जाएगा, राइट साइड से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, मोनोक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, मोनोक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। नेक्स्ट हम देखेंगे R134 का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो इसमें देखिए, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1+1, एक्स वाई जेड, 1+1=2। तो देखिए, जितना भी मीथेन बेस था, मीथेन बेस में क्या था? मीथेन बेस में यहाँ पे हम लोग का जीरो था। तो 0+1 मतलब हो रहा था कार्बन का जो नंबर था वो 1 हो रहा था। मीथेन में जैसे हम लोग का कार्बन का नंबर होता है 1, लेकिन इसमें कार्बन का जो नंबर हो गया वो 2, मतलब है इथेन बेस हो गया। इस तरह से देखिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? 3-1=2 एंड 4, फ्लोरीन =4। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए, दो कार्बन आ गया, ए सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। तो कार्बन का जो हाथ है वो इस तरह से हो गया। अभी देखिए इसमें क्या है, इसमें 4 फ्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, 2 हाइड्रोजन हो गया, 1, 2, 3, 4, 4 फ्लोरीन हो गया, मतलब इसमें कोई भी क्लोरीन एटम नहीं है, क्लोरीन नहीं है। इसीलिए क्या है कि ये ओजन लेयर को कोई इफेक्ट नहीं देता, हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके वजह से हम लोग का जो ओजन लेयर है, ओजन लेयर पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। तो इसका अगर हम लोग नाम लिखेंगे तो कैसा होगा? इसका जो नाम होगा वो होगा टेट्रा फ्लोरो इथेन। इसमें कोई भी क्लोरीन एटम नहीं है, इसीलिए टेट्रा फ्लोरो इथेन। 4 फ्लोरीन की वजह से टेट्रा और इथेन।